नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते दलित समुदाय के एक व्यक्ति जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था, उसको गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी। उस व्यक्ति पर एक ऊंची जाति यानी हायर कास्ट की औरत का अपहरण और उसे जबरदस्ती शादी करने का आरोप लगाया गया था। एक तरह से उस व्यक्ति की मदद करते हुए, उसकी एड के लिए आते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ओका की डिवीजन बेंच ने कहा कि हमारे विचार में याचिकाकर्ता के जांच में शामिल होने पर और जांच पड़ताल से सहयोग करने पर यह ऐसा मामला नहीं है जहां पर एक गैर जमानती वारंट याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी होना चाहिए था। और गिरफ्तारी से पहले जमानत देते वक्त बेंच ने याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर से यह भी कहा कि वो उनके खिलाफ ओंतरी थाने में दर्ज इस मामले में चल रही जांच पड़ताल का पूरा सहयोग करें। यह थाना झारखंड के गढ़वा जिले में स्थित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन पर विचार कर रहा था। झारखंड हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस याचिका इस पिटीशन को खारिज किया, जिससे उन्होंने अपने खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 366 से जुड़े मामले में गैर जमानती वारंट के खिलाफ दर्ज किया था। धारा 366 किडनैपिंग, अपहरण, औरतों को जबरदस्ती शादी के लिए उकसाने जैसे अपराधों का वर्णन करती है। अप्रैल में भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अगले आदेश तक गिरफ्तारी से बचाते हुए अंतरिम राहत दी थी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि वो उनके खुद के, उनके पिता के खिलाफ और उनके दोस्तों के खिलाफ धाराओं के तहत कई एफआईआर दर्ज कराई गई, क्योंकि उसने अपने बचपन के स्कूल की दोस्त से शादी करी जो कि ब्राह्मण समुदाय की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया, ये रीजन भी दिया कि उसके और बाकियों के खिलाफ मामले, ये एफआईआर तब दर्ज करी गई जब उसने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की याचिका दायर करी थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। ये किसी की उपस्थिति की मांग करने के लिए दायर करी गई थी हिमाचल प्रदेश में। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी के परिवार से ये मांग करी थी कि उनकी पत्नी को उनके सामने अदालत में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को उनके घर से आधी रात को 6 लोग जबरदस्ती उठा के ले गए थे। उन लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। बाद में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को सूचित किया गया कि झारखंड में पति के खिलाफ अपहरण का आपराधिक आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि हेबियस कॉर्पस याचिका में हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद ही अन्य लोगों के और उनके खिलाफ ये सारे मामले दर्ज किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका में ये बताया गया है कि याचिकाकर्ता को बहुत परेशानी पहुंची है विपक्ष के मनमाने और गैर संवैधानिक कार्यों से, और उनकी पत्नी के घर वालों ने पूरी न्याय व्यवस्था का घोर फायदा उठाया है अपने खुद के फायदे के लिए, और याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों से वंचित रखा गया है विपक्ष के द्वारा। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि उनकी शादी के बाद हुई इस घटना के बाद वो अपने परिवार के साथ साथ बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और खतरे में हैं। आज की इस खबर में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पर। धन्यवाद।